नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जशपुर जिले में पीडब्ल्यूडी के नेतृत्व में बनाई जा रही सड़क कछुए की चाल से बनाई जा रही है, जो बंदरचुआ से दौकड़ा फरसा बहार तक की सड़क 21 की भी आज तक नहीं बन पाई है, जबकि सड़क 19-20 में शुरू हुआ था और सूचना पटल के अनुसार 1/9/2021 कार्य पूर्ण बता रहा है। 34 करोड़ रुपए लागत का यह सड़क अपने आप भ्रष्टाचार की गाथा गारी है। उक्त संबंध में क्षेत्रवासियों ने बताया कि हम लोग धूल के गुब्बार से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही सड़क गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाई जा रही है, जो अपने आप में अजूबा से कम नहीं है। इस संबंध में अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को भी मौखिक और लिखित में जानकारी दी गई है, परंतु आज तक 21 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है और हम लोग काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जबकि सड़क को चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करना था, जिसमें BC 30 mm, DBM 50 mm, WMM 250 mm, GSB 250 mm, सब ग्रेड 500 mm उक्त सड़क पर करना था और चौड़ाई 20 मीटर बनाए जाना था, पर धरातल में कुछ और ही दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि 5 सालों से विभाग ने हम सभी को परेशान किया है, अब कब तक बनेगा सड़क? हम सब आखिर किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाएं और बताएं? ये 4-5 साल पहले से बनने चालू है, 2021-22 में तैयार होने का था, फिर भी आज तक तैयार नहीं हुआ है। और इस सड़क को लेकर हम लोग बहुत पब्लिक परेशान हैं। दिए थे कि भाई रोड को थोड़ा जल्दी कीजिए, जल्दी तैयार कीजिए, पब्लिक को परेशानी है, बरसात में तो हम लोग आ जा नहीं पाते हैं, शिक्षक भी यहाँ पर दिक्कत से लेट से पहुँच रहे हैं, बरसात के समय पानी रुक जाता है, कीचड़ हो जाता है, प्लस अभी गर्मी में भी धूल से परेशान है, अच्छा से खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, तो दिक्कत तो जा रहा है। अच्छा से दिन भर दुकान में हम लोग बैठते हैं, दिन भर धूल ले रहे हैं शरीर में, बीमारी कोरोना से आदमी बीमार पड़े बोल रहे हैं, बिना कोरोना से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरा विचार है कि बनना चाहिए, मेरा विचार है कि बनना चाहिए, कम से कम 3 साल बरसात तक तैयार होना चाहिए रोड। नहीं, अच्छा से बनना चाहिए, अच्छा गुणवत्ता से बनना चाहिए, अच्छा गुणवत्ता से बनना चाहिए, ताकि हम लोग को दिक्कत आगे मत हो, पब्लिक को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर पब्लिक अगर दिक्कत से अगर आना जाना करे तो फिर हम ही लोग को परेशानी है। आज के जनरेशन में इतना सरकार आगे सब कुछ बढ़ा रहा है, अरे आज हमारा दोकड़ा बहुत अच्छा जगह भी है, हर चीज़ का सुख सुविधा है, उसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर परेशानी में फंसे हुए हैं, धूल ले रहे हैं, बरसात में फंसे हुए हैं, तो समझिए कि बहुत कुछ हम लोग से हो रहा है। टैक्सर का भेंट चल रहा है सर, पैसे नहीं चल रहा है, अगर आज सही तरीका से अगर करते तो आज तक हमारा रोड तैयार हो जाता, लेकिन भ्रष्टाचार है तब ना आज तक तैयार नहीं हुआ है। पब्लिक को परेशानी झेलना पड़ रहा है, हर चीज़ में आना जाना, कर्मचारी विभाग को भी परेशानी हो रहा है, पब्लिक को भी परेशानी हो रहा है, आज कितना हमारे यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं सभी को तकलीफ है। नहीं, हजारों गांव में नहीं, हर जगह ठीक ठाक चल रहा है, बाकी दोकड़ा में ही प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ से गया है बंदर चुहा से फरसा बहार गया है जी, फरसा बहार और बंदर चुहा के बीच गया है, लेकिन आज तक कहाँ, कितना किलोमीटर है बंदर चुहा फरसा बहार से? पूरा यह सड़क वो गुणवत्ताहीन निर्माण हो रहा है और 2021 में पूरा होना था, लेकिन आज 2023 तक ये पूरा नहीं हो पाया है। पूरे व्यवसायी इसमें धूल धक्कड़ से परेशान है, ठेकेदार के द्वारा ना इसमें गर्मी के दिनों में ना पानी डाला गया, पूरे लोग परेशान है, क्षेत्र के लोग इस रोड से। नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है, कहिए गुणवत्ता से बन ही नहीं रहा है, आगे गेडवाल बना हुआ है, एक दिन उसमें पानी नहीं डाले हुए हैं, कहिए। यह सड़क 2021 तक बन जाना था, लेकिन अभी 2 साल लेट चल रही है और अभी तक भी ठेकेदार का पूरा कार्य इधर बंद है, कहिए दोकड़ा से बंदरचुआ के बीच में। इसको विगत दिनों में भी गुणवत्ताहीन हो रहा है, कहिए, उसके लिए चक्का जाम का भी आवेदन लगाया हुआ था कि पानी उन्हें डाले और अच्छा से निर्माण हो कहके, लेकिन अभी तक इसमें शुरू नहीं हुआ है काम। धूल से पूरे व्यवसायी लोग परेशान है, होटल व्यवसायी भी परेशान है, अपना सामान को ढक के रखना पड़ता है, काफ़ी परेशान है पूरे व्यवसायी लोग, परेशान हो गए सर, क्या करना चाहिए? देखिए, जो बंदरचुमा से फरसा बहार जो रोड चौड़ीकरण का चल रहा है, इसकी स्वीकृति हमने दिलवाई जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में थी और हम उस समय सांसद थे और केंद्र में राज्यमंत्री थे, तब वो प्रदेश शासन से कह के 49 करोड़ रुपये इसमें सेंक्शन कराए और 18 में जब हम लोगों की सरकार नहीं बनी
तो जो कांग्रेस की सरकार आई, टेंडर वेंडर में बहुत विलम्ब हुआ इस सरकार के द्वारा। और पहले तो इस रोड को निरस्त करने का प्रयास शासन की तरफ से हुआ। जिस तरह से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बहुत सारा काम डीएमएफ वगैरह का जो डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में स्वीकृत था, भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद उसको निरस्त भी किया गया। कई करोड़ रुपया का डीएमएफ का काम जसपुर जिले से भी और पूरे प्रदेश से निरस्त किया गया। और इस बात को हम जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भूपेश बघेल दिल्ली गए थे और उस समय पार्लियामेंट चल रहा था और मुख्यमंत्री सांसदों से वहाँ मिलते हैं, और उस दौरान हमने आपत्ति किया था कि मुख्यमंत्री जी, हम बहुत दिनों से राजनीति में हैं लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई नई सरकार पिछली सरकार के स्वीकृत कामों को निरस्त कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो उसका उत्तर वो नहीं दे पाए, इतना ही बोले कि हमको धान खरीदना है। लेकिन बहुत मुश्किल से हम इस रोड को बचा पाए, 49 करोड़ का है। और आप सब लोगों को भी मालूम है कि उसके बाद लगातार कोरोना से भी पूरा देश नहीं विश्व पीड़ित रहा, और कोरोना के कारण करीब 2 साल सारा काम बाधित हुआ। और हमको लगता है आज जो सितंबर 2021 में ये काम पूरा होना था वो पूरा नहीं हुआ। इसमें